हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोएब स्टाइल ब्लॉग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू KTM ड्यूक 125 सीसी बाइक के बारे में। आपको मालूम ही होगा कि इंडियन रूरल मार्केट में एक पे एक यामा अपनी इंडियन रूरल मार्केट में बाइक लॉन्च किया जा रहा है। स्पोर्ट्स सेगमेंट और नेकेड वेरियंट दोनों ही बाइक लॉन्च किया जा रहा है और सारी कंपनी अपनी अपनी बाइक लॉन्च की जा रही है। मैं आपको बता दूँ, KTM भी एक अपने आप में एक खुद ब्रांड है। आपको मालूम है स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक भी KTM लॉन्च करता है और नेकेड वेरियंट बाइक की भी लॉन्च करता है। तो मैं आपको बता दूँ, नेकेड वेरियंट बाइक की जो ओल्ड वर्जन थी KTM ड्यूक 125, तो इसका अब न्यू मॉडल आने वाला है, मतलब वर्जन 2.0 आने वाला है KTM ड्यूक 125 सीसी का। तो इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या इसके प्राइस रहने वाले हैं और ये बाइक KTM कितने दिनों में इंडियन रूरल मार्केट में लॉन्च करने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है KTM ड्यूक 125 सीसी लवर के लिए। तो सबसे पहले बात कर लें बाइक के इंजन के बारे में। तो इंजन में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, इंजन आपको सेम देखने को मिलेगा, वही आपको 124.7 सीसी लिक्विड कूल DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि आपको EFI के साथ देखने को मिलेगा। बाइक में आपको 6 गियर बॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे। बाइक की पावर के बारे में बात कर लें तो गाइस 14.5 HP 9250 RPM के साथ पावर देखने को मिल जाएगी। टॉर्क देखने को मिल जाएगा 12 मीटर का, वही जो सेम देखने को मिलता है 8000 RPM के साथ। वहीं हम बात कर लें बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो इस बाइक में आपको USD सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, जो फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलेंगे। रियर पार्ट में आपको इस बाइक के WP मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको ओल्ड वर्जन में भी देखने को मिलते थे। ओवरऑल बाइक की हाइट, लेंथ और ग्राउंड क्लीयरेंस क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूं, बाइक की हाइट रहने वाली है 1274 mm की, जो कि आपको ओल्ड देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक में आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, जिससे आप काफी अच्छी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो गाइस, बाइक में आपको 155 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाएगा। सीट हाइट का काफी रोल लेता है, तो मैं आपको बता दूं 822 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। कब वेट बाइक में आपको 159 kg का कब वेट देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको वही देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड, बाइक में आपको वही फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस बार आपको KTM की तरफ से इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। मैं बता दूं बाइक की लाइट आपको क्या देखने को मिल सकती है, बाइक आपको सारी की सारी जो लाइटिंग आपको LED देखने को मिल सकती है इस बार। और बात कर लें बाइक के ब्रेक एंड टायर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, फ्रंट ब्रेक जो देखने को मिलेंगे बाइक में आपको 300 mm के सिंगल डिस्क ब्रेक विद रेडियली माउंटेड कैलिपर के साथ। रियर ब्रेक देखने को मिलेंगे आपको 230 mm के डिस्क ब्रेक, जो कि आपको देखने को मिलेंगे फ्लोटिंग कैलिपर के साथ। आपको ब्रेक जो देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता दूं, सिंगल चैनल एवेज में देखने को मिलेंगे। बात कर लें बाइक के टायर के बारे में, तो बाइक में आपको फ्रंट टायर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 110/70 का, रियर टायर देखने को मिलेगा 150/60 का। ओके फ्रेंड, बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छे और वाइड टायर देखने को मिल सकते हैं। बाइक में आपको माइलेज जो है 45 किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्सीमेट देखने को मिल जाएगा। मैं बता दूं आपको, टॉप स्पीड बाइक के अंदर आपको 125 से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड बाइक के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बाइक का लुक और डिजाइन और कलर सेक्शन में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बॉडी ग्राफिक्स में भी आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे KTM की तरफ से। बाइक के जो प्राइस रहने वाले हैं इंडियन टूलर मार्केट में एक्स शोरूम, वो रहने वाले हैं 180,000 के अप्रॉक्स। और मैं बता दूं, इंडियन टूलर मार्केट में ये बाइक जल्दी ही KTM की तरफ से लॉन्च होने वाली है। मैं आपको बता दूं, 2022 के लास्ट में ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में आ जाएगी। गाइज, यही वीडियो थी KTM ड्यूक 125 को लेकर, जो कि मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना। गाइज, मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।